मेरा नाम रूपम मोंगा है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरी को जो दिक्कत थी वो शोल्डर फ्रोजन की थी और करीब एक साल तक थी। और मैंने पहले शुरू में घर का ही इलाज किया, जैसे मालिश करना या धूप सेकना, तो उससे मुझे कुछ खास आराम नहीं आया। मैंने पेन किलर वगैरह काफ़ी लिया, उससे मुझे आराम नहीं आया। फिर मुझे लगा कि मुझे अब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तो मैं मणिपुर हॉस्पिटल में आई। यहाँ मुझे डॉक्टर बोरोस्कोबी से कंसल्ट किया मैंने, और उन्होंने मुझे शुरू में दवाई दी जिससे मुझे आराम उतना नहीं आया जितना आना चाहिए था, क्योंकि मेरा शोल्डर बिल्कुल फ्रोजन था। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आई थोड़ी सर्जरी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा आपका शोल्डर। फिर मैंने सर्जरी करवाई और मेरी सर्जरी बिल्कुल अच्छी हुई, बिल्कुल मेरे को दिक्कत नहीं आई। उसके बाद मुझे फिजियोथेरेपी के लिए रिकमेंड किया, मैंने वो भी थोड़ी सी करवाई फिजियोथेरेपी भी, और अब मेरा शोल्डर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मुझे दिक्कत नहीं है। डॉक्टर ने बिल्कुल अच्छी तरह से मुझे कंसल्ट किया, मैं जितनी बार भी यहाँ दिखाने आई मुझे बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर ने ट्रीट किया, और अब मेरा शोल्डर बिल्कुल ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं आ रही है मुझे। मिसेस रूपम मोंगा, शी हैड समथिंग व्हिच इज वेरी कॉमन, इनको फ्रोजन शोल्डर था, बट इस कॉमन चीज में भी एक अनकॉमन चीज, इनका फ्रोजन शोल्डर बहुत रेजिस्टेंट था। जब ये मेरे पास आए तो काफी सीवियरली कंधा फ्रोजन था, कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। तो जैसे फ्रोजन शोल्डर पे हम इनिशियली फिजियोथेरेपी ही बोलते हैं, तो हमने वही वी फॉलोड द सेम प्रोटोकॉल, फर्स्ट शी अंडरवेंट फिजियोथेरेपी। अनफॉर्चुनेटली उनका इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था फिजियोथेरेपी से, फिर हमने इंजेक्शंस भी लगाए कंधे में, बट दैट ऑल्सो डिड नॉट हेल्प। सो जब कुछ काम नहीं करता तब हमें इसको सर्जिकली रिलीज करना पड़ता है, जिसे हम आर्थ्रोस्कोपिक कैप्सुलर रिलीज कहते हैं। एक दूरबीन से सर्जरी की जाती है, ये कोई मेजर सर्जरी नहीं होती, दो छोटे छोटे चीरे लगते हैं, एंड इसमें जो भी आपका कंधा फ्रोजन होता है इसमें मोस्टली कैप्सूल टाइट हो जाता है, एंटीरियर कैप्सूल टाइट होता है, उसको हम रिलीज करते हैं, एंड जो टाइट लिगामेंट्स होते हैं उन सबको रिलीज करते हैं, जो भी चीज चिपकी होती है सब चीज हटाई जाती है। ये सारा काम दूरबीन से होता है और इसे करने में मात्र 40 मिनट से एक घंटा लगता है। यस, इट इज डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया, बट एज आई सेड इट इज नॉट अ मेजर सर्जरी, सो नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। एंड द लास्ट रिजॉर्ट फॉर हर वर्क्ड, इट वर्क्ड वेरी इफेक्टिवली। पोस्ट सर्जरी शी वॉज वेरी मच पेन फ्री, शोल्डर्स improved, the range of motion improved, and she could now move her shoulder. And consequently, she had physiotherapy. 6 to 8 weeks down the line, she is now having full range of motion of her shoulder. ये पूरी तरह से कंधा चला पा रहे हैं, अपना सारा काम कर पा रहे हैं। तो जो हमारा intent था, जो हमारा target था, we were able to achieve that, right? To give her a pain-free mobile shoulder joint.